हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल। आई एम ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इसके लिए मैं टाइम टू टाइम फिजिकल फिटनेस से और मेंटल फिटनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेती रहती हूँ। जैसे कि आजकल मैं अपनी एक रीसेट जर्नी कर रही हूँ, यानी कि मैं कुछ ऐसे टाइनी टाइनी चेंजेस ला रही हूँ जिससे कि मेरी ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है हो सके, यानी कि मेरी जो लाइफ है वो और बेटर हो सके। मैं अपनी इस रीसेट जर्नी के डे 6 अब तक आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स एंड वीडियोस। आज मैं बात करूंगी अपने डे 7 और डे 8 की जर्नी के बारे में। डे 7 पे मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए तो चेंजेस ला ही रही हूँ, इसके साथ साथ अब मुझे अपनी जो कुछ बैड हैबिट्स है उनको छोड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो मेरी आजकल की बैड हैबिट है वो है फ़ोन यूजेज। वो मेरी ही नहीं, आई थिंक आजकल बहुत सारे लोगों की है कि वो फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, मेरा काम ऐसा है क्योंकि मैं शूट भी इस पर करती हूँ फ़ोन पे, मैं एडिट भी यहीं करती हूँ, मैं अपलोडिंग भी मोस्टली इसी पे करती हूँ, इवन मैं कंटेंट और इन्फॉर्मेशन या फिर अगर मुझे कुछ भी रीड करना होता है तो मैं भी फ़ोन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जबकि मेरे पास लैपटॉप है लेकिन मेरे को फ़ोन यूज़ करने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है क्योंकि ये बहुत ही ईजी टू एक्सेस है, तो इसीलिए मैं फ़ोन से ही अपना सारा इन्फॉर्मेशन या फिर जितना भी मुझे कुछ ना कुछ रिलेटेड इससे कंटेंट ढूंढना होता है तो मैं फ़ोन का ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं टीवी नहीं देखती हूँ, तो इसीलिए मेरा जितना भी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है वो फ़ोन ही यूज़ होता है। यानी कि अगर मैं गेम खेलती हूँ तो मैं फ़ोन में खेलती हूँ, मैं कोई सीरीज़ देखती हूँ या फिर मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन ही यूज़ करती हूँ। मैं लैपटॉप का या फिर टीवी का यूज़ नहीं करती हूँ और हमें सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना ठीक नहीं है। इवन अगर आप किसी भी डिवाइस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो वो आपके लिए साइड इफेक्ट भी देता है। लेकिन फ़ोन का क्या होता है कि उसकी स्क्रीन कंपेरेटिव टू लैपटॉप और टीवी के छोटी होती है तो उसके साइड इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सब इतना एडिक्टिव होता है कि आप उसको सोचकर उठाते हैं कि मैं सिर्फ एक चीज़ ये देखकर या फिर एक काम ये कर इसके बाद अपना फ़ोन रख दूंगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो आई डिसाइडेड कि मैं सबसे पहले अपने इस बैड हैबिट पे एटलीस्ट एक कोई छोटा सा टाइनी स्टेप लूंगी। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे ज़्यादा बैड टाइमिंग क्या होती है आपके फ़ोन यूजेस की, वो होती है आपके सोने से जस्ट पहले। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना बेड टाइम पे जो है फ़ोन यूज़ नहीं करूंगी। वैसे आपको सोने से एक से डेढ़ घंटे पहले या फिर अगर हो सके तो उससे भी पहले आपको जितनी भी अपनी स्क्रीन टाइम होता है उसको बंद कर देना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे ब्लू लाइट जो इमिट होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इवन आपकी स्लीप को भी डिस्टर्ब करती है। लेकिन ऑल ऑफ द सडन मैं इस चीज़ को नहीं रोक सकती थी, सो आई डिसाइडेड कि मैं बेड टाइम पे अपना फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप किसी भी हैबिट को छोड़ते हैं तो उससे ज़्यादा ईजी होता है कि आप उस हैबिट को क्विट करने की जगह आप उसे किसी और हैबिट से रिप्लेस कर लें। और ऑब्वियसली अगर आप किसी बैड हैबिट को क्विट कर रहे हैं तो आप उसको रिप्लेस करेंगे किसी गुड हैबिट से। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फ़ोन को यूज़ करना स्टॉप तो किया लेकिन मैंने उसको क्या रिप्लेस किया, मैंने अपने उसे रिप्लेस कर दिया बुक रीडिंग से। वैसे भी मैं दिन में 2-3 पेजेस जब जब मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ तो मैं उससे पहले एक पेज रीड करती हूँ। ये मैंने अपने पहले वाले दिन पे किसी डिसाइड किया था तो उससे क्या हुआ कि मेरी बुक रीडिंग की टाइमिंग जो है वो बढ़ गई और मेरा फ़ोन यूजेस थोड़ा सा ही सही लेकिन कम हो गया। एंड फॉर द नेक्स्ट डे मीन्स डे 8 पे मैंने अपना थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ाने का डिसाइड किया था। तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी एक मील के बाद 10 मिनट की वॉक करूंगी। तो पहले जो मैंने डिसाइड किया है या तो मैं ब्रेकफास्ट के बाद या फिर मैं लंच के बाद अपना 10 मिनट की वॉक करूंगी। पहले मैं लंच के बाद 20 मिनट्स की वॉक करा करती थी लेकिन मैंने बीच में वो करनी बंद कर दी तो वो मेरी हैबिट छूट गई है। लेकिन अब मैंने फिर से अपनी 10 मिनट की वॉक स्टार्ट कर दी है, या तो मैं उसको ब्रेकफास्ट के बाद कर लेती हूँ या फिर मैं लंच के बाद कर लेती हूँ। ग्रेजुअली मैं इसको क्या करूँगी कि मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के बाद स्टार्ट कर दूंगी और फिर मैं इसे डिनर में भी इंक्लूड कर लूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी टोटल 30 मिनट की डेली की जो वॉक है वो हो जाएगी और आपका जो मील है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन मील के बाद वॉक करते वक्त आपको दो बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप मील के जस्ट बाद वॉक नहीं करेंगे, आप 15-20 मिनट का एटलीस्ट गैप देंगे अपने मील के बाद अपनी वॉक में। और आप जो वॉक करेंगे वो कभी भी फास्ट पेस नहीं होनी चाहिए, वो आपको स्लो ही करनी है। डे 8 पे मैंने एक छोटा सा चेंज अपने रूटीन में ये भी किया था कि हाल फिलहाल में यानी कि इस दिवाली ब्रेक के आसपास यानी कि त्योहार के आसपास मुझे एक बुरी आदत ये लग गई थी कि मैं जब अपनी इवनिंग कॉफ़ी लेती थी तो मैं उसके साथ कोई ना कोई अपना जो पैकेट स्नैक्स होते हैं वो ले लेती, जैसे कभी नाचोस ले लिए, कभी चिप्स ले लिए, कभी बाउली ले ली या फिर ऐसा ही कुछ। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ये सब एकदम से छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको धीरे धीरे करके कम करूंगी तो वो नहीं हो सकता क्योंकि मैं वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाती थी। और
मैं इससे पहले कॉफ़ी भी डेली नहीं लेती थी, मैं उसको 3 to 4 times ही लेती थी, कभी कभी 2 times इन अ वीक लेती थी, लेकिन अब मैं उसको डेली ले रही हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पहले मैं अपने स्नैक बंद करूँगी, फिर धीरे धीरे मैं अपनी कॉफ़ी को रिप्लेस कर दूँगी ग्रीन टी या फिर किसी और हेल्दी ड्रिंक से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।